ओम नमः शिवाय। नमस्ते प्रियजनों, मैं हूं टीबी बाबा, लेता हूं 4 लाख लोगों की मौत हर साल। आओ मिलाता हूं तुम्हें अपने हथियारों से। सबसे पहला और बहुत ही अच्छा हथियार खुद लोग ही होते हैं। जो लोग पहले से ही मेरे से पीड़ित होते हैं, वो ही लोग बाकी लोगों को फैला देते हैं। कट रूमी। नाइस। कौन है? मैडम, आपकी रिपोर्ट आई है। टीवी? क्या टीवी? कुछ नहीं होता टीवी बीवी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो नॉर्मली घूमूंगी। कौन है यार? मतलब इन्हें समझ नहीं आता, नहीं खानी दवाई। ठीक तो मैं बिल्कुल। तीसरा हथियार क्या बोलूं मैं अब इस हथियार के बारे में। लोग चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं कि पढ़ाई करो, यू नो नॉलेज इज द की टू सक्सेस। वैसे ही ज्ञान, नॉलेज मुझे शायद भगा सकती। तुम चौहान के बेटे की शादी में गए थे? कोई रौनक ही नहीं थी। उससे ज्यादा सामान तो मेरी शादी में आया था। शर्माइन भी आई थी, बड़ी दुखी लग रही थी। अरे तुम्हें पता है शर्माइन की बेटी को टीबी हुआ है? क्या? हे माँ, माता जी, टीबी टीबी टीबी, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अरे अब तो उनके घर से 4 फीट की दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है उसको किटी पार्टी से भी बाहर कर देना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब YouTube और आपका टीवी, जिसमें क्या क्या दिखाते हैं कि अगर आपको टीबी हुआ है तो क्या लगाते। हाँ, गोबर जैसी चीजें, कुछ कुछ पाउडर वाउडर खाते रहते हैं लोग, पर उन्हें क्या पता। मैं तो ऐसी बीमारी हूँ जो चुटकियों में नहीं ठीक होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल तक चैनल। वैलेंटाइन्स के इस खुशनुमा लवी डबी मौसम के बाद आपको ले चलते हैं आज की ताजा खबरों पे। ब्रेकिंग न्यूज बतानी है, ब्रेकिंग न्यूज। पापा का प्रमोशन करना है, पापा का। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज, जैसे कि आपको पता है कि प्रदेश में टीवी के मामले यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गए हैं, तो क्या आप भी हैं टीवी से परेशान? तो आज आपको ले चलते हैं डगनम बाबा के पास। ये एक ऐसी महान हस्ती हैं जो आपकी टीवी का इलाज करेंगी रॉकेट की स्पीड से भी तेज। डगनम बाबा के द्वारा बनाई गई दवाई ये आपको मिलेगी सिर्फ 199 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करें 0020-9040। क्या करूं इस देश का? टीबी सिर्फ एक बीमारी है जिसका अगर सही समय पर इलाज ना हो तो वह घातक और संक्रामक साबित हो सकती है। अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, खांसी में बलगम के साथ खून आता है, वजन घटना, ये सब अगर आपको लक्षण है तो ये टीबी के हो सकते हैं। अगर आपको ये सब है तो आपको तुरंत ही अपना इलाज करवाना चाहिए नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पे। टीबी से बचने के भी कई उपाय हैं, जैसे कि भीड़भाड़ वाली जगह जाने से बचें, जब भी आप खांसे या छींके तो अपने मुंह को कवर करें,
अपनी इम्यूनिटी बढ़ा टीबी हो जाता है तो इससे डरने की बात नहीं है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं तथा डॉट सेंटर हैं, इन सभी में टीबी का फ्री में इलाज होता है। साथ ही नेक्स्ट ईयर पोषण योजना के तहत आपको 500 रुपए की प्रति माह आर्थिक सहायता भी की जाती है, जिससे आप अपना खाना पीना अच्छा रख सके। सो लेट्स बिलीव इन वी कैन एंड वी विल। सो लेट्स इन्वेस्ट टू इन टीबी, सेव लाइव्स। तो ये थे मेरे सारे हथियार। अब देखते हैं लोगों को कौन बचाता है।